तो आज का ब्लॉग चालू करते हैं हम लोग अमिताभ बच्चन के घर से। नहीं नहीं मजाक करूँ, अमिताभ बच्चन के घर आपको इस जगह के एकदम नज़दीक पड़ेगा, तो आप यहाँ गूगल मैप देख के आ सकते हो। तो कुछ देर कैब में बैठने के बाद हम लोग फाइनली पहुँच जाते हैं अपने लोकेशन पे, और लोकेशन में एंट्री हम लोग करते ही हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी बैनर थे सब कोई ना कोई रियलिटी शोज़ या फिर इनके स्पॉन्सर्स के हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखते रहेंगे रास्ते भर में। बट हाँ, आप ट्राई करो कि आप सुबह सुबह ही पहुँचो, क्योंकि अगर जैसे लेट करोगे फिर भीड़ बढ़ती जाएगी और शायद आप भोग ग्रहण ना कर पाओ। और जैसे ही कार से एंटर करोगे वैसे ही आपको ये एंट्री देखने को मिल जाएगा। वैसे भोग का लाइन कहीं और रहता है, ये तो फिलहाल अभी दर्शन का लाइन है। और यहाँ पर आप भीड़ देख ही सकते हो कि कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर भोग खाने के लिए और दर्शन भी करने के लिए। वैसे दर्शन तो एक बहाना ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको आए दिन सेलिब्रिटीज़ दिखते रहेंगे, तो मोस्टली यहाँ पे लोग सेलिब्रिटी के लिए भी आते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पूरा भोग का लाइन लगा हुआ है। अगर आप नॉर्मल लाइन से आओगे तो आपको नहीं भी तो 4 से 5 घंटे तो मिनिमम लगने वाले हैं, अगर वीकेंड पर आते हो। वीकडेज पर इसका थोड़ा सा कम रहता है, पर ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा नहीं। और ये जो आप एंट्री देख रहे हैं वो है सेलिब्रिटी की लाइन, और वहाँ जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, वहाँ से है मेन दुर्गा पूजा पंडाल का एंट्रेंस। तो इसी का शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का ब्लॉग। सो हे नमस्ते पीपल, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग आ चुके हैं नॉर्थ बॉम्बे के सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति में। तो आपको और आपके परिवार को हैप्पी दुर्गा पूजा, और आप लोग को दिखाते हैं कि ब्लॉग में कि कहाँ कहाँ पर आप भोग ग्रहण कर सकते हो, उसका टाइमिंग क्या है, पुष्पांजलि देने का टाइम क्या है, और यहाँ पे दुर्गा माँ का कैसा भव्य सा मूर्ति बनाया गया है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो ये जो आप एंट्रेंस मेरे सामने देख रहे हो, वहाँ से आप लोग या हमारे जैसे लोग एंटर कर सकते हैं दुर्गा माँ का दर्शन करने के लिए। वैसे सेलिब्रिटी लोग कहाँ से एंटर करते हैं वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी स्टार्टिंग में, और वहाँ से मैं वीडियोग्राफी भी करने वाला, तो वीडियो एंड तक देखना। और जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ रास्ते में काफ़ी अच्छा डेकोरेशन देखने को मिल जाएगा, और भीड़ की तो आप पूछो ही मत, भीड़ काफ़ी ज़्यादा ही रहती है यहाँ पे। वैसे आप लोग भी अगर जब भी दुर्गा पूजा पंडाल घूमने आओ ना, तो आप लोग ट्राई करो कि आप लोग एथनिक वेयर में जाओ, क्योंकि जीन्स शर्ट तो आप नॉर्मली हर दिन पहनते हो। और ये जो आप सामने देख रहे हो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट शीट लगाया गया है ताकि आप दूर से ही दर्शन कर पाओ, अगर आप लोग ज़्यादा भीड़ में नहीं घुसना चाहते हो। तो हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं और निकलते हैं। निकलने से मेरा मतलब है कि इस जगह से निकलते हैं और हम चलते हैं आगे पुष्पांजलि देने के लिए। वैसे पुष्पांजलि देने की टाइमिंग सुबह 11 बजे से है, तो आपको ट्राई करना कि यहाँ पे वक्त से पहले पहुँचने का। और ये रहा अंदर से पंडाल, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत है, और यहाँ पे दूर से ही माइक पे पंडित जी खड़े होके आपको सारे आरती सुनाएंगे। तो आप लोग सुनो एक बार। पिल्ल पत्रांजलि नमो भगवत्वै दुर्गावै। तो फाइनली हमारी बारी आ जाती है और हम दौड़े दौड़े फटाफट पहुंच जाते हैं पुष्पांजलि देने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, तो आप लोग ट्राई करना कि थोड़ा जल्दी पहुँचने के लिए, नहीं तो बहुत पीछे आप लग जाओगे और आप शायद ठीक से पुष्पांजलि भी ना दे पाओ। तो यहाँ पे लोग फूल बांटते रहेंगे पुष्पांजलि के लिए, तो आप याद से हाथ आगे बढ़ा के फूल ले लेना। तो हम लोग फूल ले लेते हैं और उसके बाद एक बाल्टी घुमाई जाती है जहाँ पे आपको अपना फूल देना पड़ता है, ताकि उसके बाद फिर जाके पंडित जी वहाँ पे माता के सामने इसको अर्पण कर पाएँ। तो हम लोगों ने पुष्पांजलि दे दिया है और अभी आप लोग सामने देख ही पा रहे होंगे कि कितना भव्य सा मूर्ति बनाया गया है, और कुछ इस तरह से दिखता है नॉर्थ बॉम्बे का सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का पंडाल। वैसे वहाँ दूर में दुर्गा माँ के प्रतिमा के सामने ही आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखने को मिल जाएंगे, जिनको बहुत सारे मीडिया एजेंसी न्यूज़ एजेंसीज कवर कर रही है। वहाँ कैसे भी तो जाना है, तो देखते हैं कुछ जुगाड़ लग भी पाता है कि नहीं। पर उससे पहले हम लोग दुर्गा माँ को आखिरी बार प्रणाम करके निकल जाते हैं इस पंडाल से। तो जैसे कि मैंने आपको वादा किया है कि हम लोग सेलिब्रिटी के पास जाएंगे, तो उसके लिए आपको एंटरटेनमेंट हॉल से होके जाना है। वैसे आप तभी जा पाओगे या तो आप किसी के गेस्ट हो या फिर आपका मीडिया या रिपोर्टर सा कोई आईडी कार्ड हो। तो हम लोग इस साइड आ गए हैं लाइन के जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, और अभी हम लोग रास्ते में ही हमें मिल जाती हैं बबीता जी, और पता नहीं क्यों इनके देख के मुझे बस बैकग्राउंड में एक ही आवाज़ सुनने को मिलता है। खैर जाने दीजिए, अभी यहाँ पे अनुपमा जो है उनका इंटरव्यू चल रहा है,
और यहाँ पे है दुर्गा माँ। और इन्हें तो आप जानते होंगे, तनिषा मुखर्जी, और ये शायद उनकी कोई रिलेटिव है जिनका आज पहला बार यहाँ पे पूजा करवाया जा रहा है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बाल्टी में फूल रखने, तो कुछ इस प्रकार से पंडित जी यहाँ पे फूल को अर्पण करते हैं माँ के सामने। वैसे दुर्गा माँ का दर्शन इतने सामने से करना अपने में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तक कॉमन मैन को एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। वो तो शायद दुर्गा माँ की थोड़ी बहुत कृपा मुझ पे रही होगी कि जो मैं यहाँ तक आ भी पाया। और यूं ही पूजा करते करते मेरी नज़र उस साइड पड़ती है जहाँ पे तनुजा जी थी, जो कि काजोल की मम्मी है, तो उनका भी थोड़ा सा ब्लॉग में उनका भी हिस्सा रखते हैं। तो अभी पूजा करके हम लोग निकल पड़ते हैं बाहर भोग ग्रहण करने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको भोग खाने के लिए एक रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है, और जो हमारे जैसे लोग हैं, जो नॉर्मल कॉमन मैन है, उनका जो रास्ता है वो ये है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं सेलिब्रिटीज़ को देखने, माँ का दर्शन करने के लिए, और ऑफकोर्स भोग ग्रहण करने के लिए। और अभी एंट्री होती है काजोल मैम की, यही मेन एंट्रेंस है जहाँ से सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं। तो अभी हम लोग उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे आप लोगों को भोग परोसा जाएगा, और यहाँ पे एक बार में लगभग 200-300 तक लोग बैठ के खा सकते हैं। और अभी यहाँ पे जितने भी वेटर्स घूमते हैं वो आपको अच्छे से खाना परोस के ही जाएंगे, और कुछ ये सारा आइटम्स आपको भोग में खाने को मिल जाएगा। पर खाना खाने से पहले आपको एक चीज़ बोलने को बोला जाएगा। तो यहाँ पे हजारों लोग को खिलाने के लिए देख ही सकते हैं कि कितना सारा भोग बना के रखा गया है। और खाने के बाद आप बाहर आके हाथ धो लेना बेसिन में। और यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लियो ना, तो लाइक करना मत भूलना। तो दर्शन करने के बाद, भोग ग्रहण करने के बाद हम लोग बाहर निकल जाते हैं, और ठीक बाहर के साइड में आपको ढेरों स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का ऑथेंटिक खाना देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हो गया लुच्ची आलू दम, लुच्ची मतलब पूरी होता है, और बेक्ड रसगुल्ला, रसोगुल्ला, और भी बहुत कुछ। इतना भी मेरे मुंह में पानी आ चुका है अभी। वैसे यहाँ पे और भी सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, तो उनको भी आप इंजॉय करने देना, खुद भी इंजॉय करना। सो अभी उन्होंने भोग ग्रहण कर लिया है, जिसका टेस्ट काफी ज्यादा दारुण, माने काफी ज्यादा टेस्टी था। और अगर आप यहाँ आते हैं तो आप दूर से सेलिब्रिटी को देखना, क्योंकि अगर आप जाके सेल्फी के लिए अप्रोच करोगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है, तो आप लोग के साथ बदसलूकी भी कर सकती है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग दर्शन करने आए और आप लोग के साथ भी कुछ गलत हो। तो अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख ही चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और खत्म करने से पहले आपको मेरे तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नई जगह पे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।